अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फरीना और आज हम मटन चीज़ पॉकेट बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम कीमा लिया है और उसे मिक्सी में और अच्छे से हमने पीस लिया है। और हम इसमें अब डालेंगे स्वादानुसार नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हम इसमें हरी लहसुन की मिर्ची का पेस्ट डालेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें घी डालेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें अदरक का पेस्ट और हाफ टी स्पून हम इसमें कूटा हुआ लहसुन डालेंगे। और अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। हाफ टी स्पून अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और आधी कटोरी यहाँ पर मैंने हरे धनिया का इस्तेमाल किया है। अब इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब हमें सरफेस पर तेल लगा लेना है इस तरह से। और अब हमें कीमे को उसके ऊपर रख कर इस तरह से स्क्वायर शेप देना है और उसमें हमें चीज़ स्टफ़ करना है इस तरह से। और अब हमें इसे इस तरह से देखिए चारों तरफ से हमें इसे फोल्ड करके स्क्वायर शेप देना है। देखिए इस तरह से हम इसे स्क्वायर शेप दे देंगे। देखिए ये हमने इसे स्क्वायर शेप दे दिया है इस तरह से। हमें अब इस तरह से सारे चीज़ पॉकेट बना लेने हैं। देखिए ये हमने बना लिया। अब मैंने ब्रेड क्रम लिया है और उस सबसे पहले हम ब्रेड क्रम में इसे कोट कर लेंगे। फिर हमने एक अंडा लिया है और उसमें नमक डालकर और 1 चम्मच दूध डालकर हमने उसे फेंट लिया था और फिर हमें उसमें दूध में डिप करना है और फिर से हमें इसे ब्रेड क्रम में कोट कर लेना है इस तरह से। देखिए हमें इस तरह से पूरे मटन चीज़ पॉकेट बना लेने हैं इस तरह से। अब एक पैन में हम तेल गरम कर लेंगे और अब इसे हम डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे तलना है मध्यम धीमी आंच पर। और हमारे मटन चीज़ पॉकेट देखिए ये बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना अच्छा सा इसे गोल्डन ब्राउन कलर आया है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।